क्या मैं मिट्टी ढो रही है यहाँ पे कचरा या मेहंदी लगा रही हो कैसा लॉसी लॉस। तो राधे राधे नमस्कार प्रणाम स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को इवनिंग से स्टार्ट कर दिए हैं और हम लोग को आए हुए कम से कम एक घंटा हो गए और यहाँ पे अभी चिकू के पापा जी साफ सफाई कर रहे हैं, सारा सामान इधर किचन रूम से निकाल रहे हैं और निकाल कर किचन रूम को साफ कर रहे हैं। गुड़िया जी को दोस्तों ज्यादा आज मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुड़िया जी थके हुए हैं। हाँ कूलर को बेच दीजिए, कूलर को दोस्तों बेच देंगे, खराब बढ़िया तरह की वैसे अच्छा नहीं लग रहा है सरिया का। तो दोस्तों पहले किचन रूम को साफ कर रहे हैं क्योंकि इसमें से सारा सामान जो कि निकाल कर इस रूम में रखना है, तो पहले किचन रूम को साफ कर देंगे तब जाके इस रूम को साफ करेंगे। फूल का भी हालत खराब ही हो गए हैं, हम रहते थे तो सुबह शाम पानी डालते रहते तो पूरा दम हरा भरा था और अच्छे अच्छे फूल खिलते थे, लेकिन हम लोग नहीं रहे उसकी वजह से थोड़ा फूल जो कि बिखर गए हैं सूख गए हैं। और इस चिकू के पापा जी अपना काम में लगे हुए हैं, चलते हैं हम भी जल्दी जल्दी से करते हैं तो जल्दी जल्दी होंगे, नहीं तो दो दिन लग जाएंगे साफ सुथरा करते ही। बेड को भी निकाल रहे हैं तो निकालेंगे नहीं, अच्छा से साफ नहीं होगा फिर ना निकालेंगे तो देखिए चूहा कितना ज्यादा कैसे कर देते हैं चूहा लोग मिलकर। तो दोस्तों इस घर को ना निपाई पुताई अच्छे से करना पड़ेगा और अच्छा। हम लोग सोच रहे हैं ना कि इस मतलब इसे बना ही दे, बना दीजिए, बना ही दीजिएगा तो बेस्ट रहे। हम ईटा दोस्तों गिरा करके ना मिट्टी के गलेवा पर उसे अच्छे से बना देते हैं और फाट ज्यादा रखेंगे नहीं, जिस मतलब चूहा आने के लिए जगह ही नहीं छोड़ेंगे ताकि, और इसमें तो खाना बनेंगे और सामान रखेंगे, चूहा आने के लिए जगह ही नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों बेड में है जो की दिया लग गई है, देख लीजिए ये सब खा जाएंगे पूरा जी, नहीं सोने लगेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। हाँ उस रूम में लगा दीजिएगा। अब उसमें से दीमक दोस्तों दीमक वाली प्रॉब्लम गए हैं, उसको प्लास्टर कर दिए तो अब इसमें आ गए। चलिए टांगे चलिए संडे संडे को दिन सबको नीप देंगे, निपाई पुताई कर लेंगे तो और भी सुंदर लगने लगेंगे। जल्दी से साफ कीजिए और लाइए ना, हम ही कर झाड़ू लगाते हैं। हम क्या करते हैं पूरे रूम वाला सामान निकालें ना, उस रूम में से सामान निकाल के इसी रूम में ना रखना है सब झोलवा वाला। साफ होगा तब। हाँ पहले साफ होगा तब। A few minutes later. So, दोस्तों किचन रूम में जो कि झाड़ू दे दिए हैं और अभी ना रूम में दोस्तों झाड़ू जो कि दे करके ना साफ सफाई करते हैं, बहुत ज्यादा दोस्तों कचरा लग गया है इतने दिनों में, तो कोई देखने उखने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गुड़िया जी जो कि साफ सफाई कर रहे हैं, जो भी सामान है ना उसे झाड़ दे रहे हैं, उसके बाद जो भी डस्ट कचरा निकलेंगे फिर साफ सुथरा करेंगे तो फिर दोस्तों हमारा घर ना उसी तरह से दिखने लगेंगे। क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा हो गया सारा मसाला जी। चूहा 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 और बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली कमेंट करते हैं कि आप खिड़की छोड़िए, अगर खिड़की छोड़ू ना तो चूहा पूरा यहाँ पे तबाह कर देंगे क्योंकि ये चूहा का इलाका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चूहा रहते हैं, धान की खेती होती है ना इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा चूहा रहते हैं। अब देखिए चारों तरफ से बंद किए हुए हैं, कहीं कहीं से फाट है ना, आइए देखिए इधर बंद किए हुए हैं, इधर थोड़ा सा फाट है तो ये सब से भी दोस्तों आ जाते हैं चूहे, सब खराब। घर में बहुत ज्यादा कचरा आप सभी लोगों को दिख रहे होंगे तो उसके लिए दोस्तों सॉरी, अभी साफ सफाई कर देते हैं कुछ देर में और उसके बाद दोस्तों बहुत ही मस्त दिखने लगेंगे घर पूरा। हाँ सब छांट लीजिए, डिब्बा भी काट दिया चूहा, लॉस ही लॉस जी, दूसरा डिब्बा लाना पड़ेगा। वहां से ही खत्म कर दिया, यहाँ से ही दोस्तों खत्म कर दिया, तेल बच रहा है ना दोस्तों। इस रूम में जितने भी थैले थे ना उसे दोस्तों निकाल दिए हैं और अभी देखिए खाली खाली दोस्तों रूम लग रहे हैं, तो इसमें जो भी दोस्तों कचरा है ना वो निकाल दे रहे हैं। पहले क्या कैसा था रूम और कैसा से कैसा दोस्तों हो गया और इसे फिर से दोस्तों हम लोग साफ सुथरा जो कर देंगे, तो ये वाला पहले साफ सुथरा करते हैं काउंटर को।
चूहा बहुत ज्यादा तबाही कर दिया है। पहले दोस्तों दीमक में बहुत ज्यादा तबाही कर रहे थे, अभी चूहे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मतलब अभी दोस्तों भैया जी झाड़ू उड़ू दे लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद दोस्तों आप सभी लोग को दिखाऊंगा। दोस्तों जो भी सामान जो कि घर से बाहर निकले ना उसको दोस्तों घर में रख देंगे अच्छे से। इसे नहीं ना काटा है, वायर को नहीं ना काटा है, इसे दोस्तों के पत्तल पूरा खोल दिया ये। ए छोड़ दो, मसाला उड़ा है जी। मसाला दोस्तों काफी ज्यादा उड़ने लगे, ठीक आने लगे। दोस्तों रूम में अच्छे तरीके से झाड़ू जो कि गुड़िया जी दे दिए हैं, और अब आप सभी लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा रूम का नज़ारा है। तो यहीं से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा साफ सुथरा लग रहा है, और यहाँ पर देखिए पूरा दोस्तों साफ सुथरा हो गया। इस बक्सों के अंदर सेट अभी गिर गई हो, चोट लग जाते हैं। तो ट्रंक को दोस्तों बक्सा को ना साइड में रखते हैं, उसके बाद दोस्तों आप सभी लोग को दिखाता हूँ। और जो ठीक मसाला जो भी दोस्तों मसाला खराब हुए ना तो गुड़िया जी उसे झाड़ू दे दिए तो बाहर निकल गए, तो उड़ रहे हैं तो ठीक भी आ रहे हैं। गुड़िया जी को शायद नहीं आ रहे होंगे क्योंकि इनको सर्दी हो रखे है। और इधर देखिए ये क्या कर रहा है, पूरा तोड़ फोड़ कर रहा है, यहाँ पे पत्थरों को एकदम तोड़ दे रहा है, फाड़ दे रहा है। फाड़ दिया पत्थर को, फाड़ दिया पूरा, एक पत्थर को फाड़ दिया। गुड़िया सीधा कर दो, तेल लगाया विराट ना, तेल दोस्तों इसमें था ना सरसों तेल, डाबर का सरसों तेल ही होगा, हाँ सरसों वाला तेल पूरा गिरा दिया ये। दोस्तों गुड़िया जी घर में झाड़ू दे दिए, अभी दोस्तों बाहर दे रहे हैं, और जितना भी दोस्तों सामान थे ना वो अंदर रख दिए हैं, और किचन में दोस्तों मैं झाड़ू दे दिया था। और ये देखिए अभी दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से हमारा घर, और चिको इधर बैठ करके ना खेल रही है। क्या मेहंदी लगा रही हो, कैसा दिखा, तुम क्या कर रहे हो जी? ये विराट पेन लेकर के आए रूम में से। दोस्तों अभी चीकू ना यहाँ में मिट्टी ढो रही है, यहाँ पे कचरा फेंकेगी, ठीक से चल ही नहीं रही है, कचरा फेंक रही है। गुड़िया जी को दोस्तों साथ दे रहे हैं, और देखिए विराट है जो कि मस्ती में लगा हुआ है, हो गया। गुड़िया जी को मैं बोल रहा हूँ कि मैं झाड़ू मार दूँ तो बोल रहे हैं कि नहीं रहने दीजिए मैं ही झाड़ू मार लूँगी। तो इसीलिए दोस्तों ये मेरे को बस किचन में ही झाड़ू मारने दिए हैं, बाकी दोस्तों गुड़िया जी ने बहुत ज़्यादा उसका काम करते हैं। महिला जितनी भी महिलाएं होते हैं ना, ज़्यादातर महिला जो कि मेहनती होते हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और वो मतलब बहुत सारे लोग जो कि महिला होते हैं वो ऐसा थोड़े नहीं सोचेंगे कि पति को काम करने दें, बहुत ही कम महिला होंगे ऐसे काम करते हैं मिलजुल करके, जो करने वाले काम रहते हैं झाड़ू भी दे देते हैं, ऐसा बात नहीं कि झाड़ू नहीं देते हैं, बट पूरा झाड़ू देने के लिए नहीं बोलेंगे। इनका थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा था, फिर बोले कि ठीक हो गया हम खुद ही कर लेंगे, तो खुद से गुड़िया जी कर रहे हैं। थैंक यू गुड़िया जी दिल से, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो और देखिए दोस्तों झाड़ू देने के बाद ना कैसा दोस्तों आंगन दिखने लगा है, बहुत ही प्यारा आंगन दिखने लगा है, और घर भी एकदम खिलखिलाने लगे ना गुड़िया जी। अब साफ सुथरा कर देते हैं तो पूरा दोस्तों मस्त लगने लगते हैं घर, ये देखिए नज़ारा ही दोस्तों बदल जाते हैं। और चीकू ढो ढो करके ना कचरा फेंक रही है, फेंको। गुड़िया जी को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है चीकू भी ना, बड़ी हो जाएगी तो, और पता ना बड़ी होगी तो कोई गारंटी नहीं है कि हेल्प करेगी ही करेगी। विराट तो एकदम नहीं करता ना, ये देखिए ये इसे गाड़ी समझ करके ना खेल रहा है, चलो ठीक है तुम्हारा ठेला है खेलो, तो कम से कम खेल तो रहा है ना, तंग नहीं ना कर रहा है, नहीं तो तंग करता ना तो गुड़िया जी को काम भी दोस्तों करने नहीं देता। अब उसका ठेला उधर लग गया, छोड़ दो, कल चलाना, तीर भी तीर रहा है अभी, हाँ हाँ चलो साइड में लगा दिया, चलो तुम्हारा ठेला साइड में लग गया। और आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूँ सूर्य भगवान जो कि अभी अस्त हो गए हैं, और दोस्तों पूरे आंगन में जो कि झाड़ू दे दिए हैं, और अभी इनको कल चला देता हूँ ताकि ये हाथ पैर धो ले और झाड़ू को भी धो दे। धो लीजिए। A few minutes later, गुड़िया जी जो कि अभी फ्रेश हो गए हैं, और कुछ देर में ना रात हो जाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब शाम हो गए हैं, मतलब 10-15 मिनट में रात हो जाएंगे। सो दोस्तों झाड़ू वाड़ू का जितना भी काम था वो तो हो गए हैं, अभी घर में पोछा उछा देंगे, और भी जो चीज़ें हैं ना वो दोस्तों करने हैं हम लोगों को। ताकि दोस्तों आज का वीडियो ना हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय 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 बाय।